हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता एसीपी अपडेट से। मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद अपने आप में एक अच्छा शहर है, अच्छी सिटी है, ये नवाबों की सिटी है। तो आज हम आ पहुँचे हैं हुसैन सागर। हुसैन सागर एक हैदराबाद में जो जगह है बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे एक बीच में सागर बना हुआ है जो काफ़ी एकड़स में है, अप्रॉक्स 100 एकड़ में बना हुआ है ये सागर है। तो आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ, यहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ कि आखिर हुसैन सागर क्यों इतना फेमस है हैदराबाद में। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी राइड्स देखने को मिलेंगी। और इसके जस्ट सामने जो कि एक नई विधानसभा बन रही है हैदराबाद की, जहाँ पे हैदराबाद के मुख्यमंत्री बैठते हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी हैदराबाद के सेक्रेटरीट हाउस पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे कि हैदराबाद के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है, जो निवास है, हम उसके गेट के जस्ट सामने हैं, जो कि अभी नया बन ही रहा है। ये काफ़ी मतलब भव्य बनाया गया है, इसकी बिल्डिंग्स वाइट कलर की, मतलब प्रॉपर बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका जो इसके जो गेट का नाम है, वो गेट का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट ऑफ सेक्रेटरीट। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब कितना अच्छा, कितने तरीके से बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा हुसैन सागर। मित्रों, जैसा ये शहर है वैसे ही इसकी खूबसूरती है। हैदराबाद की बिरयानी आपको पता ही होगा, विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो लोग यहाँ पे हैदराबाद की बिरयानी का मज़ा भी लेते हैं। बेसिकली मैंने भी खाई यहाँ पे बिरयानी, जो बेस बिरयानी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो अच्छी सिटी है, अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे। हम लोग रोड पे टहल रहे हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे मित्र अजय भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अजय भाई, हाँ जी, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो अभी जो भाई दिल्ली वैली सब तेल है, बहुत अच्छा भी, नया नया बना है, बहुत सही। आओ देखो, मस्त चीज़ है। मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं जो कि जयपुर से हैं, उनका नाम है अशोक भट्ट। तो उनके भी व्यू लेते हैं। अशोक भाई, कैसा लगा आपको हैदराबाद में आके? मतलब क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा? बहुत ही मज़ा आया मेरे को, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही थ्रिल, मतलब अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। बेसिकली हैं पहाड़ों से, लेकिन ये हैदराबाद में आके अविश्वसनीय, अब कल्पनीय बोल रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक और मित्र हैं जो कि श्याम चौधरी नाम है इनका, ये मेरे साथ मेरी कंपनी में ही है। तो इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे हैदराबाद के बारे में। बहुत अच्छा सिटी है हैदराबाद, यहाँ के जो सीएम है केसीआर के चंद्रशेखर राव, यहाँ के सीएम है, बहुत ज़्यादा डेवलप किया है हैदराबाद सिटी को। और यहाँ बहुत ही टूरिस्ट पहले से बहुत बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ चार मीनार देखने के लिए आते हैं। बाकी अपना फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी बहुत ही फेमस है, बट रिकॉर्ड में उसका नाम आता है, तो वहाँ भी घूमने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा सिटी, आप लोग भी आइए यहाँ घूमने। तो आपने ये अच्छा ही बताई यहाँ की, आपको कुछ गलत लगा? मतलब कुछ ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है। अपने इंडिया का पार्ट है तो घूमना तो चाहिए और आना चाहिए, हर देखना चाहिए कहाँ पे क्या है अपने इंडिया में। तो अगर अगली बार आपको चांस मिलेगा, क्योंकि आप इस बार चार मीनार नहीं गए, अगर अगली बार आपको चांस मिलेगा तो क्या आप चार मीनार जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चार मीनार तो हमारे हिस्टोरिकल पैलेस है, तो वहाँ तो घूमना ही चाहिए। और तो ये थे हमारे साथ हमारे श्री श्याम चौधरी जी, जो कि हैदराबाद को बहुत अच्छा बताने, क्यों ना बताएं, हैदराबाद है ही इतनी अच्छी जगह, घूमने लायक जगह है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको और खूबसूरत रोचक चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरे मित्रगण अपना लगेज लेके, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या है ना, हमारी जो ट्रेन है वो 11 बजे की ट्रेन है, तो इसके बाद हम लोग अपनी ट्रेन कैच करेंगे। तो अपना लगेज साथ में लेके आए हैं, तो हम यहाँ पे हुसैन सागर घूमने आ गए। तो ये यहाँ के रोड्स है, जो कि मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास, तो ये वो है। तो बढ़ रहे हैं हम लोग हुसैन सागर की ओर। एक्चुअली ये हुसैन सागर है, यहाँ पे चारों तरफ पानी है, लोग बोटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो वही थोड़ा सा हम इन्जॉय करने जा रहे हैं, तब तक हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, हम ट्रेन भी ले लेंगे।
आप सामने एक होटल देख रहे हैं, होटल के जस्ट पीछे एक मंदिर है जो बिरला मंदिर है। यहाँ की मतलब विरासत बोल सकते हैं बिरला मंदिर को। यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ के जाते हैं तो आपको ये हिल्स पे बना हुआ है एक्चुअली, तो आप जब देखेंगे तो पूरा हैदराबाद आपको नज़र आएगा, खूबसूरत हैदराबाद नज़र आएगा। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है इसलिए हम उस मंदिर जा नहीं पा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम हैदराबाद आएंगे तो आपको ज़रूर इस बिरला मंदिर के बारे में बताएंगे। हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ हमें दिखाई दी जिसको लोग बोलते हैं दियाबाती, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टीमेट मतलब शाम को जब लाइटिंग होती है तो बहुत खूबसूरत नज़र आती है, तो ये यहाँ पे दियाबाती है जो कि हुसैन सागर के बिल्कुल नज़दीक में मौजूद है। हम आगे बढ़ रहे हैं हुसैन सागर की जो कि एंट्री है, ये वहाँ की एंट्री है। यहाँ पे एक टिकट काउंटर हमें दिखाई दे रहा है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। आज वैसे बुधवार का दिन है तो लग रहा है जैसे संडे हो, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी क्राउड है। तो उधर वोटिंग जो वोटिंग के लिए पास लेते हैं तो यहाँ पे ये एंट्री कर रहे हैं लोग वोटिंग के लिए, तो ये यहाँ पे टिकट लगती है एक्चुअली। जो भी टिकट होगी मैं आपको, हम लोग बताते हैं आपको क्या चार्ज है, क्या खर्चा है। तो लोग तैयारी कर रहे हैं परचेज करने के बाद। एक क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना लगेज जो आप साथ में लेके आए हैं वो रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। तो हम लोग के पास कुछ लगेज है जो कि हम सोच रहे हैं यहाँ पे रख दें, उसके बाद हम आगे घूमने जाएँ। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, पहले जब हुसैन सागर में एंट्री करेंगे तो हमें पहले टिकट लेनी होगी जो कि एंट्री टिकट है। बोर्डिंग के लिए अंदर आपको टिकट मिलेगी, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है। तो अभी हम टिकट काउंटर पे हैं, तो अशोक भाई जा चुके हैं एक्चुअली, उनकी जयपुर की ट्रेन थी, तो टिकट काउंटर यहाँ पर 20 रुपीज़ पर हेड जो टिकट चार्ज लगता है। तो अभी हम टिकट परचेज करने के बाद आपको दिखाते हैं और समझाते हैं और घुमाते हैं। 10 मिनट के बाद टिकट मिल पाई, भीड़ काफ़ी थी, तो अभी हमने 3 टिकट लिए हैं। इसका अमाउंट 60 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये पर एंट्री। अंदर देखते हैं बोर्डिंग में कितना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उमस है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो दिन में नहीं था इतना मौसम अच्छा था, दो तीन दिन शायद इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग होटल में थे। लेकिन अब भी क्या है ना, मतलब उमस हो रखी है, लग रहा है कि हाँ ह्यूमिडिटी है, कोई नहीं इंजॉय करते हैं, वो जाते हैं अंदर। बुकिंग करने के पश्चात हम लोग एंट्री करेंगे, तो ये यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग है या फिर प्राइवेट है जो भी है, तो ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, लोग अपना चेक कराने के पश्चात जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है, भाई की चेकिंग हो रही है यहाँ पे। अजय भाई को शायद कुछ मिला है, पता नहीं क्या है, देखते हैं, लेट्स सी क्या हुआ। तो अजय भाई शायद कुछ जेब में ऐसा लेके आए जो नहीं एंट्री हो पा रही, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेट्स इट। आगे बढ़े तो हमारे अजय भाई अपना सामान थोड़ा बैग में रखने गए हैं जो कि लगेज रूम में है, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली एक लेज़र शो भी होता है जो कि नाइट में, जो आपने अक्षरधाम में देखा होगा दिल्ली में, उसी तरह का एक लेज़र शो है, तो हम उसको तो इग्नोर करेंगे, देखने के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये पूरा यहाँ पे क्राउड है, गैदरिंग है, अभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनके पश्चात आने के पश्चात हम लोग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लग रही ह्यूमिडिटी, पसीना है, गर्मी है यहाँ पे, जैसा कि हैदराबाद में होना चाहिए, तो है इधर। तो बस एंजॉय करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर यहाँ पे हुसैन सागर। मित्रों जैसे कि मैंने आपको बताया गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, तो लोग झील में जो झरना है वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, मैं आपको दिखा, तो लोग प्रॉपर इन्जॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं अपने बच्चे और फैमिली के साथ। तो मतलब गर्मी को दूर करने का एकमात्र तरीका, नहा लो फस पानी में जाके। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी मदर फादर और फैमिली के साथ यहाँ पे वाटरफॉल का इन्जॉय कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे झील की तरफ, देखते हैं भाई बोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो शायद इग्नोर करेंगे, अगर भीड़ नहीं होगी तो प्रॉपर फिर बोटिंग करके बोटिंग का मज़ा लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी झील है तेलंगाना में जो कि हुसैन सागर के नाम से जानी जाती है। मैं आपको उसके इस झील के बारे में सब कुछ बताऊँगा, ये कितने एकड़ में फैली हुई है, कहाँ से झील निकल रही है, क्या है इसके बारे में। तो ये सब कुछ है इधर, बच्चे का पार्क भी अच्छे खेलते हैं इधर। तो ये बुकिंग काउंटर है जो कि जा रहा है वोटिंग के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
जो वोटिंग का चार्जेस है आप 50 रुपये से लेके 350 रुपीज़ ईच पर्सन, तो ये गवर्नमेंट द्वारा असाइन किया गया है जो कि तेलंगाना टूरिज्म के अंतर्गत आता है, तो कोई ठगी दगा नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट कटवाने के पश्चात वोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो हमारे श्याम भाई कह रहे हैं कि स्पीड वोट करनी है, तो वो 350 रुपीज़ की टिकट है, तो करते हैं यार, वही करते हैं। श्याम भाई की बात कैसे काट सकते हैं, आखिर हमारे मित्र हैं वो। लेकिन श्याम भाई के बारे में एक बात बता दूं, अभी नहीं बताऊंगा, बोर्ड पे बताऊंगा आपको। व्हाइट बोस्ट में 4 लोग अलाउ हुए, हम लोग 3 हैं, तो वो लोग नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ की एक स्पेशल होती है जो कि डांस बोर्ड बोलते हैं, तो वो हमने डांस बोर्ड की टिकट ले ली है, तो जो टिकट का चार्ज है 100 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन। तो हम लोग 3 हैं, तो हमारे 300 रुपये खर्च हुए हैं, देखते हैं वो 300 रुपये वसूल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको ये टिकट दिखाता हूँ, ये 300 रुपीज़ की टिकट ली है हमने। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डांस बोर्ड की तरफ। अच्छा भाई, आर यू एक्साइटेड? यस, तो एक्साइटेड हैं। नीलेश भाई किसी को मिलने गए हैं, अपनी सिस्टर है उनकी कोई, तो वो इस चीज़ को मिस कर देंगे मुझे लगता है, बाद में अफसोस तो होना ही है। अशोक भाई को भी होना, एक्चुअली उनकी ट्रेन थी 8:30 बजे, मैंने आपको अभी बताया था। तो हम लोग डांस बोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
हम लोग झील पे आ पहुँचे हैं और झील में डांस बोर्ड के साथ बोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है। तो ये डांस बोट है जिसका कि 100 रुपीज़ हमने टिकट पे करा था, तो पैसा वसूल है। अगर आप कभी भी इधर आते हैं तो डांस बोट का मज़ा ले सकते हैं, जो कि शाम को 4 बजे से चलती है। तो यहाँ पे ये बुद्ध जी की प्रतिमा है, जो काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। मैं आपको बता दूँ, ये जो मित्रों हुसैन सागर जो झील है, ये तेलंगाना में स्थित है, जो कि अभी हैदराबाद में। इसी के साथ हम हुसैन सागर झील का चक्कर लगा के आ चुके हैं, घूम के आ चुके हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरटेन हुआ। 100 रुपीज़ हमारे वसूल रहे। बोट में परफॉर्मेंस थी, छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया था, जो लोग भी डांस करना चाहते थे उन्होंने एंजॉय किया था, तो काफ़ी मज़ा आया। तो ये कम्प्लीट एक हुसैन सागर रहा जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं आपको इसी तरह की काफ़ी वीडियो दिखाता रहूँगा। तो आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर। हम लोग रिवॉल्विंग टावर पे जा रहे हैं, तीनों ने टिकट लिया है। ज़्यादा हाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रिवॉल्विंग टावर। भाई ऊंचा है काफी, लग रहा था नीचे से। ऊपर जाएगा, थकेगा नीचे, मजा आएगा। वैसे बहुत जैसी आवाज़ कर रहा है ना, जान पड़ रही है ये, वैसा कर देगा ना भाई, टूट टाट जाएगा।